और चलिए बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर हर वर्ष 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जिसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग अब जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 अगस्त को एल्बेंडाजोल की दवाइयों का वितरण और फाइलेरिया के लिए सामूहिक दवा सेवन कराएगा। 10 और 11 अगस्त को यानी कि 2 दिन तक बूथ लेवल पर स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद में मितानिन बहनें घर घर जाकर लोगों को दवाइयां खिलाएंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के VMO ने कहा कि सरायपाली ब्लॉक की जनसंख्या तकरीबन 2,35,000 है, जिसमें से 2,06,000 लोगों को दवाइयाँ खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 अगस्त से हमारे यहाँ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर एल्बेंडाजोल की दवाइयाँ खिलाई जाएगी और फाइलेरिया के लिए सामूहिक दवा सेवन के माध्यम से दवाई जो है कल से 12 दिन के लिए खिलाई जाएगी। 10 और 11 तारीख को ये बूथ लेवल में प्रोग्राम चलेगा, स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में और प्राथमिक शाला और कॉलेजों में ये प्रोग्राम जो है बूथ लेवल पर चलेगा कल और परसों के लिए 10 और 11 तारीख के लिए। उसके पश्चात गृह भेंट करके यह दवाइयाँ लोगों को खिलाई जाएगी और हमारे मितानी बहनों की मदद से यह हर व्यक्ति को जो ये दवाई दिया जाएगा। हमारे ब्लॉक का पॉपुलेशन 2,35,000 है और हमारे यहाँ जो टारगेटेड पॉपुलेशन है 2,02,006 टारगेटेड पॉपुलेशन है, जिनको हमें कृमि मुक्ति दवाई और फाइलेरिया की DC गोलियाँ खिलाई।